आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैथल में जिला प्रशासन की ओर से मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 8,19,284 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण के लिए कल यानी 25 मई को चुनाव होना है, जिसमें 8 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेश के मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने चुनिंदा जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करेंगे। हम कैथल के अंदर खड़े हैं, जो कुशेत्रा लोकसभा का एक क्षेत्र है। कैथल की अगर बात करें, कैथल में 4 विधानसभा आती हैं, जिसमें कैथल, पुंडरी, कलायत और गोला है, जिसके 8,19,000 के लगभग मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हुए अपने चुनिंदा उम्मीदवारों को चुनिंदा उम्मीदवार का चयन करेंगे। बता दें कि इसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जहां एक ओर पुलिस बल, पर्याप्त पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, वहीं चुनाव के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनको आज वोटिंग से संबंधित सामग्री देकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया जाएगा। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ से अपने चुनाव संबंधी सामग्री लेकर रवाना हो जाएंगे। कल 25 मई को 8,19,254 जो मतदाता है अपने मतों का प्रयोग करते हुए अपने चुनिंदा उम्मीदवारों का चयन करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। सुबह से ही जो आला अधिकारी है, जहां से चुनाव सामग्री के संबंधित सामान मिलना है, वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में इनको सामान देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। साथ में पुलिस पार्टी भी रहेगी। इसके अलावा अब बता दें कि कल जो पुलिस है, पुलिस बल के द्वारा कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए और इसके अलावा मतदान को शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया था, और आज यहां से मतदान केंद्र के लिए पार्टियों को रवाना किया जाएगा और कल जो मतदाता कैथल जिले के मतदाता हैं, वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे और अपने चुनिंदा उम्मीदवारों का चयन करेंगे। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।